अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक का चैप्टर नंबर 11 डेट एंड डेफिसिट्स वाला जो हम कर रहे थे, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि बेसिकली डेट, हम जो पाकिस्तान डेट ले रहा है, ठीक है, वो किस किस मद में ले रहा है, ठीक है, हम किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेट जो है वो लगाते हैं, और डेट लेने के पीछे रीजंस क्या होती हैं, ठीक है, कौन सी कंट्रीज जो हैं वो डेट लेती हैं, और उसके मेजर कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो कंट्री को क्या फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली वो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल जो हम डेट लेते हैं, ठीक है, जो कंट्री हमारी पाकिस्तान डोमेस्टिक और फॉरेन जो डेट ले रही है, ठीक है, और उसका उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी उससे जो हमारी कंट्री के अंदर क्राइसिस क्रिएट हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव देखेंगे जो कि बुक के अंदर गिवन है, ठीक है, कि किन किन इवेंट्स के ऊपर किस किस गवर्नमेंट ने कितना डेट लिया, ठीक है, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, और इसके साथ साथ वीडियो के एंड पे हम जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, ठीक है, डेट के लिहाज से हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको करंट और जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है दोनों उसका पता चल सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पाकिस्तान जो है वो उन तमाम कंट्रीज के साथ, उन तमाम कंट्रीज के लाइन के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल डेट का जो क्राइसिस है दोनों वो फेस कर रही हैं, ठीक है। जनरल परवेज मुशर्रफ का जब टाइम था, 2000 की बात है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, ठीक है, जिसका नाम था डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, DRMS, और उसका मेन काम क्या था कि टैकल करना कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो डेट से हमारा क्राइसिस जनरेट हो रहा है कंट्री के अंदर, ठीक है, उसको टैकल करना, देखना कि वो क्राइसिस जो है वो क्यों जनरेट हो रहा है, यानी हम किन प्रोजेक्ट्स के लिए डेट लेते हैं या किन एरियाज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हम डेट लेते हैं, और क्या हम उनको प्रॉपरली उस डेट को हम यूटिलाइज भी करते हैं या फिर नहीं करते, और ये क्राइसिस जो है वो जनरेट होने की क्या क्या रीजंस हैं, और इसके साथ साथ रेमिडियल मेजर्स क्या होनी चाहिए या सोल्यूशंस क्या होने चाहिए ताकि हम फ्यूचर में इस डेट क्राइसिस से बच सकें। परवेज मुशर्रफ के टाइम से पहले डेट को इतना सीरियसली जो है वो नहीं ऑब्जर्व किया गया, और ना इसके लिए कोई भी कमेटी बनाई गई और ना इसके लिए कोई रेमेडियल मेजर्स जो है उनको उनके ऊपर कोई पॉलिसीज जो है वो आई थी। कमेटी जो थी, यानी डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कमेटी जो थी, उसने पॉसिबल सॉल्यूशन जो हैं वो कुछ प्रोवाइड किए, ठीक है, जो कि हमारे डेट के क्राइसिस से हमें निकाल सकते हैं, ठीक है। हम उनको आगे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस जो थे वो डेट जो कमेटी थी उसने प्रोवाइड किए थे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल देख लेते हैं कि जब 1999 से जो 2000 वाला जो इरा था उसमें हमने देखा कि जो 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है, मिलिट्री कोप ने, उसके बाद से हमारा जो डेट क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया, हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो फेस करने पड़े, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जो कंट्रीज होती हैं वो अपने डिफेंस पर्पसेज के लिए जो डेट है वो लेती हैं डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है। मच ऑफ द डिकेड ऑफ 2000, जो हमारा 2000 का साल था, वो ज्यादातर अरसा जो है इसी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए के अंदर गुजर गया, ठीक है, कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, ठीक है, उसको हम क्राइसिस को किस तरह से रिसॉल्व कर सकें, और लेकिन और कुछ हद तक हम उसको रिसॉल्व किया भी उस टाइम पे थ्रू रीशेड्यूलिंग पैकेजेस फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो बेसिकली जो रीशेड्यूलिंग पैकेजेस होते हैं उससे क्या होता है कि हमें एक तो टाइम पीरियड ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, और इजी टर्म्स कर देते हैं वो लोन की जो रीपेमेंट है उसके लिए। जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान ने बहुत अलार्मिंग पोजीशन जो है वो फेस की रिगार्डिंग पब्लिक डेट, क्योंकि हमारा उस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक तो रिजिड थे और डाउनवर्ड थे, ठीक है, यानी उनसे आउटकम ज़्यादा नहीं निकल रहा था, उनसे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहे थे, लेकिन रिजिड थे, हम उसमें से इन्वेस्टमेंट को कट डाउन भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, और इसके साथ साथ रेवेन्यूज जो जनरेट हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा कम थे या फिर उनमें डिक्लाइन आती जा रही थी, ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम उनकी ग्रोथ रेट जो है वो कम होती जा रही थी, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें फिस्कल डेफिसिट भी अपना बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस थोड़ा सा किया था कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो कि बजट और एक्सपेंडिचर्स के बीच में गैप होता है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। अब जो हमारा
क्राइसिस आ गया, ठीक है, कंट्री के अंदर हमने देखा कि फिर कॉन्सिक्वेंसेस उसके हम ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन उसके लिए कोई क्विक रेमिडियल मैया नहीं होती। हम एकदम से इस डेट क्राइसिस में से नहीं निकल सकते, क्योंकि कंट्री के पास इतने ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते कि वो डेट को फौरन से रीपे कर सके, ठीक है। पाकिस्तान विल हैव टू लिव विद मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब जो डेट, जब भी कंट्री किसी भी डेट ट्रैप के अंदर फंसती है तो उसके मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। पावर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, लोगों की जो वेज है, ठीक है, पर हेड इनकम है वो बहुत ज्यादा कम होने लग जाती है, ठीक है। सो बहुत सारी इसके टैक्स के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट आता है, ठीक है। हैवी डेट बर्डन जो है हमने काफी साल तक जो है उसको बर्दाश्त किया। सम मेन रीजंस अगर हम देखें इसकी हैवी डेट की, इंटरनल और एक्सटर्नल जो बहुत हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ये आती हैं कि लार्ज और परसिस्टेंट फिस्कल डेफिसिट है हमारे पास, ठीक है, और करंट अकाउंट बैलेंस जो डेफिसिट है हमारा, ठीक है, करंट अकाउंट हमारा बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बिल्कुल भी हमारी जो है वो बैलेंस नहीं है। हम इम्पोर्ट हैवी मशीनरी करते हैं जबकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो प्राइमरी गुड्स या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स या टेक्सटाइल गुड्स इनके ऊपर प्रिवेल करती है। इम्प्रूडेंट या फिर हम कह सकते हैं कि अनयूजफुल वे में हम जो अपने बॉरिड रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है। वेस्टफुल गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड करती है जिन्हां पे स्पेंड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है, ठीक है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ अंडरटेकिंग ऑफ लो इकोनॉमिक प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को साइन कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि लो इकोनॉमिक प्रायोरिटी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर जो गवर्नमेंट आती है, चाहे वो पीपीपी की हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, वो अपने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करवा देती है ताकि उन प्रोजेक्ट्स के साथ उनका नाम जो है वो जुड़ा रहे। फॉर एग्जांपल मोटरवेज बनाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेट्रो बसेस बनाई, ठीक है। सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ ज्यादातर उनका मेन जो पर्पस होता है बिहाइंड वो पॉपुलैरिटी हासिल करना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या इकोनॉमिक जो इसकी साइड है उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, ठीक है। सो जो पॉलिटिकल विल है या फिर जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, उसकी विल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन एड, ठीक है, जब भी हम फॉरेन एड लेते हैं, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। उन रिसोर्सेज को हम डिफरेंट ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे उनकी लगाने की जरूरत हम नहीं होती, ठीक है। वीकनिंग डेट कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, डेट कैरिंग कैपेसिटी हमारी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, स्टैग्नेंट है हमारी डेट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइनिंग रियल गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो हमारे रियल गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं या एक्सपोर्ट हैं, ठीक है, वो हमारी टाइम टू टाइम जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है। राइजिंग रियल कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, बहुत डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी। अगर 1993 से 2003 का टाइम देखें तो उसमें हमारा जो टोटल डेट राइज हुआ है, ठीक है, वो 100% ऑफ जीडीपी जो है हमने डेट हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। इट केम डाउन इन 2003, ठीक है, 2003 में थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, जो कि हम ने कुछ प्रोजेक्ट्स और रीशेड्यूलिंग पैकेजेस वगैरह के साथ कम करवाया। 55-60% ऑफ जीडीपी तक हम इसको 2003 में हम लेकर आए, ठीक है। जनरल बिलीफ ये है लोगों का यहाँ पे पाकिस्तान में कि डेट का जो प्रॉब्लम है वो इमर्ज हुआ 1980s में, जब जनरल जियाउल हक का टाइम था। जनरल जियाउल हक के टाइम पे क्या हुआ कि स्पेंडिंग मोर हुई मनी की और रिसीविंग कम हुई, क्योंकि 1980s में ऐसा था कि हमारे जो इंडिकेटर्स थे, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, ग्रोथ इंडिकेटर्स बहुत अच्छे थे, हम एक डेवलपमेंट के जो पाथ था हम उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। सो उस टाइम पे जब भी गवर्नमेंट ये देखती है कि जो है कंट्री जो डेवलपमेंट के पाथ पे है, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करवा देती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू तो इतनी ज्यादा नहीं होती बल्कि पॉपुलैरिटी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करवा दिया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर दी जाती है। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ क्या हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे जो ग्रोथ इंडिकेटर्स थे वो इतने अच्छे नहीं रहे, ठीक है, हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा एकदम से शार्पली डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से हम डेफिसिट ट्रैप के अंदर जो है वो फंसना स्टार्ट हो गए। परवेज हसन जो है वो ऐसे एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले अटेंशन इस तरफ पॉलिसी मेकर्स की डाइवर्ट करवाई कि जो ये हमारा ट्रैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसको हमें फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए ताकि हम इससे फ्यूचर में थोड़े से जो है वो अवेयर हो सकें और हम इससे बच सकें।
एज देर वर हाई ग्रोथ रेट्स इन 1980s, ठीक है, डेट बीइंग क्रिएटेड एंड बीइंग ट्रांसफर टू फ्यूचर जनरेशन. तो हाई ग्रोथ रेट्स है, ठीक है, उसी टाइम पे डेट जो है ज्यादा लिया गया, ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनिशिएट कराया गया और फिर बाद में हम उसको रिपे नहीं कर सके और वो डेट जो है वो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर टाइम टू टाइम जो है वो ट्रांसफर होता जा रहा है. नॉमिनल पब्लिक डेट जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम अराउंड 155 बिलियन से 802 बिलियन तक, ठीक है, 1990s में, ठीक है. और फर्दर अगर हम देखें 2000 में तो ये 3200 बिलियन तक जो है वो गया. टोटल टैक्स बर्डन जो था वो 66% था 1980s में और ये जो है 1990s में अगर हम देखें तो ये टोटल 100% जो है वो इंक्रीज हुआ. 1996 से 1999 का जो टाइम पीरियड था, तीन साल जो थे, वो पब्लिक डेट बर्डन जो है वो बहुत शार्पली इंक्रीज हुआ, यानी 515 से लेके 625% जो है वो इंक्रीज आया एकदम से पब्लिक डेट के अंदर. अब इसके रीजंस बेसिक क्या थी इतना ज्यादा डेट इंक्रीज होने की, कि दिस वाज ग्रोथ रेट इन 1980s, ठीक है. बेसिक इसकी रीजन यही थी कि जो 1980s में ग्रोथ इंडिकेटर जो थे हमारे बहुत ज्यादा अच्छे थे, उस टाइम पे इतने गलत पॉलिसीज जो हैं या इतने गलत प्रोजेक्ट्स जो हैं इस तरह के इनिशिएट करवाए गए जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थी और वो फिर और वो भी लोन लेके एड लेके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए तो और वो लोन जो है हम रीपे नहीं कर सके तो हमारा जो ट्रैप है वो बढ़ता गया, ठीक है. और इसके साथ साथ रेवेन्यू जो थे हमारे वो डिक्लाइन करने लगे. 1980s में क्या हुआ कि रेवेन्यू की जो ग्रोथ थी वो 8.2% से डिक्लाइन करके 3.9% पे चली गई 1996 से 1999 तक, ठीक है, जो कि एक शार्प डिक्लाइन हमें नजर आता है कि 8.2 एक बहुत ज्यादा गुड फिगर है, एक हैंडसम फिगर है ग्रोथ इंडिकेटर्स को अगर हम देखें, मैक्रो ग्रोथ इंडिकेटर्स को, ठीक है. तो 8.2 जो है बहुत अच्छी फिगर है, लेकिन विद इन सम फ्यू ईयर्स, ठीक है, ये 3.9 यानी 4% तक जो है वो 50% डिक्लाइन आया इसके अंदर. अब ये फिगर्स जो है ये इम्प्लाई क्या करती हैं कि सिर्फ जो डेट ही इंक्रीज नहीं हो रहा था बल्कि जो हमारे लिए डेट सर्विसेज जो है थी वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही थी, क्योंकि कोई भी कंट्री जब डेट देती है किसी दूसरी कंट्री को या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो डेट देता है, ठीक है, तो वो उस कंट्री की सबसे पहले इकोनॉमिक हेल्थ देखते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं कि उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है या फिर कितना पोटेंशियल है उनके अंदर इंप्रूवमेंट का, ठीक है. तो अगर जो कंट्री के इंडिकेटर्स हैं वो इंप्रूव नहीं हो रहे होते या फिर उनकी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी नहीं होती तो वो जो है अवॉइड करते हैं कि वो डेट नहीं देते, ठीक है, या फिर उनको हैवी टर्म्स के साथ डेट दिया जाता है, हैवी ट्रैप जो के अंदर जो डेट ट्रैप है उसके अंदर फंसा लिया जाता है, ठीक है, ताकि वो डेट से नहीं निकल पाती वो कंट्रीज. सो हमारी जो डेट सर्विसेज थी उस टाइम पे वो भी हमारे लिए डिफिकल्टी का शिकार बनी. अब अगर थोड़ी सी करंट सिचुएशन को हम देखें तो अगर 2022 की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो टोटल डेट है, ठीक है, टोटल डेट के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल और लायबिलिटीज जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है, ये तीनों का कम्बिनेशन होता है टोटल डेट, तो वो हमारा 42.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है. सो अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल डेट की बात करें तो वो 138.568 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो हमारा एक्सटर्नल डेट है इस टाइम पे. 9.5% जो है वो राइज आया है डेट की जो अमाउंट है उसके अंदर फ्रॉम जुलाई 2021 टू जनवरी 2022, यानी 6 मंथ्स के अंदर 9.5% इंक्रीज जो है हमने डेट के अंदर लाए हैं, ठीक है, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने डेट लिया. और अगर थोड़ा सा इसका हम डिटेल में देखें तो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो पब्लिक डेट और लायबिलिटी थी वो तकरीबन 6000 बिलियन पे थी, ठीक है, यानी उस टाइम पे हमारे ऊपर जो जितना डेट था वो तकरीबन 6000 बिलियन था डेट, ठीक है. लेकिन 5 साल के बाद जब पीपीपी की गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा करके गई है तो जो डेट और लायबिलिटीज की अमाउंट थी वो 16000 थी, ठीक है, यानी 10000 बिलियन जो थे वो इंक्रीज हुए उनके टाइम पे. इसके साथ साथ जब पीएमएलएन आई 2013 में, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो 16000 बिलियन था जो कि पीपीपी की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, लेकिन उनके टाइम पीरियड होने कंप्लीट होने के बाद यानी 5 ईयर्स के बाद जो डेट और लायबिलिटीज की अमाउंट थी वो 30000 थी, ठीक है, 30000 बिलियन डॉलर्स.
पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 में आई, ठीक है, स्टार्टिंग में 30,000 था हमारा जो डेट और लायबिलिटीज, लेकिन जो बाद में अभी जो टिल डेट है वो 50,000 तक हम पहुंचे हुए हैं, 50,000 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 17 अरब जो है वो डेली एडिशन होती गई है हमारी डेट के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली हम नेट डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेट की बात, नेट क्या होता है, नेट डेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपये जो है डेट लिया है, ठीक है, तो उसने कुछ रीपे भी तो किया होगा 50%, अगर फॉर एग्जांपल उसने 50 रुपीज रीपे कर दिए तो जो 50 बाकी उसके ऊपर रिमेनिंग रह गए वो उसका नेट डेट है, ठीक है, वो उसके ऊपर नेट डेट अमाउंट है, ठीक है। सो हम नेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एवरी इंडिविजुअल के ऊपर अब हम देखें अगर, तो जो हम कहते हैं कि हर जो बच्चा बड़ा है या बूढ़ा है जो भी है इस कंट्री के अंदर, उस वो कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। तो अगर उसकी फिगर्स हम थोड़ी सी डिटेल में देखें तो एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बीमार है, बूढ़ा है, चाहे कोई भी है, एवरी इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तानी है, ठीक है, उसके ऊपर 2008 में 36,000 रुपए जो है वो डेट था, ठीक है। 2013 की अगर हम बात करें, यानी जब पीपीपी का जो टेन्योर खत्म हुआ तो उस टाइम पे 88,000 जो है वो हर बंदे के ऊपर डेट था। पीएमएलएन की हुकूमत में, ठीक है, 2018 की अगर बात करें तो 1,40,000 जो है वो हर बंदा जो है वो डेट पे करना के इक्विवेलेंट था, और आज की अगर हम बात करें तो 2,27,000 जो है वो हर बंदे के ऊपर डेट है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। इतनी तो हर बंदे की जो है वो पर हेड इनकम नहीं है जितनी जो है हम डेट, हमारे ऊपर डेट है, ठीक है। अच्छा, डेट जब इंक्रीज जो हो रहा है, ठीक है, अगर हम डिफरेंट गवर्नमेंट्स में हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन में ये इतना डेट था, पीपीपी की गवर्नमेंट में इतना डेट था, पीटीआई ने इतना डेट लिया, ठीक है, सो इसमें एक्सचेंज रेट का भी बहुत ज्यादा एक बड़ा हाथ होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल पीएमएलएन ने डेट लिया, ठीक है, तो उस टाइम पे डॉलर की जो कीमत थी वो फॉर एग्जांपल 130 रुपीज थी, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 130 रुपीज, ठीक है। सो लेकिन जब पीटीआई ने डेट लिया, ठीक है, तो उस टाइम हमारी जो करेंसी थी वो डीवैल्यू हो गई और जो डॉलर का रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जो पीटीआई ने जो डेट लिया वो जो जिस एक्सचेंज रेट पे लिया वो 180, एक अगर राउंड फिगर हम देखें तो 180 इक्वल टू $1, ठीक है, इस रेट पे लिया। तो इसलिए भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करते हैं कि जी हमारा डेट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो टाइम के साथ डीवैल्यू हो गई है और इस वजह से हमारा जो डेट की अमाउंट है वो हमें ज्यादा नजर आती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई की हुकूमत ने काफी ज्यादा डेट लिया और कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा डेट का शिकार हो गई है, ठीक है। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो है वो इसमें इसका भी बहुत बड़ा मेन किरदार होता है, और ये जो सारी फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये सारी स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप अगर वहां से कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेन कॉजेज एक दफा समराइज कर लेते हैं दोबारा लेक्चर को, ठीक है, हम देख लेते हैं मेन कॉजेज क्या थे डेट क्राइसिस के, ठीक है। लो सेविंग रेट है पाकिस्तान के अंदर, नेशनल सेविंग जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन है, हमारा जो बजट डेफिसिट है या फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है और टाइम के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। टैक्स रेवेन्यूज के अंदर डिक्लाइन है, लोग टैक्स नहीं देते, ठीक है, टैक्स फाइलर्स बहुत ज्यादा कम है कंट्री के अंदर, परसेंटेज टू जीडीपी हमारा टैक्स जो डेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, लो नॉमिनल ग्रोथ है टैक्स कलेक्शन में, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोग अपनी पॉपुलैरिटी की तरफ फोकस करते हैं, ठीक है, वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ फोकस नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा वीक हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई जो इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज की नहीं लेता, ठीक है, डिक्लाइन इन लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लो, और इसके साथ साथ जो कैपिटल इनफ्लो है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हम देख रहे हैं पिछले 2 दहाइयों से, ठीक है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।